Assalamu alaikum. I Dr. Muhammad Akram, Associate Professor, Department of Eastern Medicine, Government College University, Faisalabad. Aaj hum discuss karenge sources of protein ke. Animal sources, meat, fish, egg and milk. Plant sources, pulses, legumes and wheat. First class proteins. These are the proteins which contain all the essential amino acid protein from animal sources. Yani wo तमाम प्रोटीन जो कि एनिमल से हासिल होती हैं उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं. सेकंड क्लास प्रोटीन, दीज आर द प्रोटीन्स व्हिच डू नॉट कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. तो एनिमल सोर्सेज से जो प्रोटीन हम लेते हैं, गोश्त वगैरह जो लेते हैं, ये फर्स्ट क्लास कहलाती है, जबकि दालें और बाकी प्लांट सोर्स से जो चीज़ें हासिल होती हैं, प्रोटीन हासिल होती है, वो सेकेंड क्लास प्रोटीन कहलाती है. अब यह है कि हम जो है वो सेकंड क्लास प्रोटीन से कैसे जो है वो तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड हासिल कर सकते हैं. तो उसका तरीका ये है कि आप जो है वो दो डिफरेंट काइंड की सेकंड क्लास प्रोटीन जो है मिक्स करके अगर बनाएंगे और वो खाएंगे तो उससे आपको वही फ़ायदा हासिल होंगे जो कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन के हैं. तो अगर एक दाल के अंदर जो है वो प्रोटीन की तादाद या अमीनो एसिड की तादाद जो है वो कम है तो दूसरे में जो है वो उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है. तो इस तरह मुख्तलिफ जो है वो सेकंड क्लास प्रोटीन को मिक्स करके जो है वो पकाने से फर्स्ट क्लास प्रोटीन के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.